जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री फोर्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिरकार ट्रेनिंग में आप लोगों को फाइनल पेमेंट कितना मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे यदि सर हम लोग ज्वाइन कर जाते हैं SSB हो, CSF हो, ITBP हो या BSF हो, यानी कि कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स हो, आपको ट्रेनिंग सेंटर में टोटल कट छट के कितने रुपये आपके अकाउंट में आएंगे और कितने दिन बाद से आपके पेमेंट शुरू हो जाते हैं। यदि आपने 20 मार्च को ज्वाइन किया या 20 फरवरी को ज्वाइन किया तो कितने महीने से बाद आपके अकाउंट में पेमेंट आने लगेंगे, तो दोस्तों इसके बारे में आपको एक्यूरेट जानकारी बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जिससे कि उन लोगों को भी इसके बारे में नॉलेज हो सके जो कि अभी SSC GD ज्वाइन करने वाले हैं, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट बाद वे लोग ज्वाइन करने वाले हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने जब फॉर्म के लिए यानी कि जब आप लोगों ने आवेदन किया होगा तो उसका नोटिफिकेशन में आप लोगों ने देखा होगा जो SSC GD के लिए बेसिक पे है। आप चाहे कोई भी फोर्स हो, ITBP हो, BSF हो, SSB हो या CISF हो या आसाम राइफल हो या आपका SSF या NIA कोई सा भी फोर्स हो, उसमें बेसिक पे 21,700 आपको दिया गया होगा जो कि लेवल 3 के अंतर्गत आता है। लेवल 3 21,700 बेसिक पे। तो दोस्तों आप जैसे ज्वाइन कीजिएगा आपका बेसिक पे 21,700 मिलेगा और आप लोग 21,700 उसके अलावा आप लोगों को कुछ अलाउंस भी मिलेंगे। वो कौन कौन से अलाउंस हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा आपका DA की, जो कि डियरनेस अलाउंस होता है। आप लोगों को पता ही होगा DA जो कि साल में 2 बार इंक्रीज होता है। तो दोस्तों आपको DA मिलेगा 32% के आसपास मिलेगा, पहले 28% मिलता था लेकिन DA अभी इंक्रीज हुआ है, तो दोस्तों आपको 32% के आसपास DA मिलेगा। तो जब आप 21,700 का DA निकालिएगा 32%, तो आपके यानी 7,000 समथिंग हो जाएंगे, जिससे कि आपका यानी कि कुल सैलरी 28,000 के आसपास हो जाएगा, प्लस में कुछ आपके राशन मनी भी ऐड हो जाएंगे और उसके अलावा कुछ अदर अलाउंस भी ऐड हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका टोटल सैलरी यानी कि 33-34,000 बनेगा, लेकिन 33-34,000 बनेगा तो दोस्तों आपको उतना मिलेगा नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा आपका सैलरी कितना कटेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि कमेंट कर रहे थे क्या सर हम लोगों का भी सैलरी वो नेवी एयरफोर्स या आर्मी जैसा हाफ आएगा, यानी कि कट छट के हाफ आएगा ट्रेनिंग पीरियड में। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं होता है कि आपका सैलरी आधा है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में ही आप लोगों को पूरा सैलरी दिया जाता है, यानी कि आपका जितना सैलरी बनता है आपको उतना दिया जाता है। तो दोस्तों एक पैसा जैसे आपका राशन मनी जो आएगा वो आपको मेस में जमा कर देना होगा, जिससे कि आप भोजन करते हैं तो वो राशन मनी आपका उसमें चला जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स में दोस्तों पेंशन बंद हो चुकी है और आपको ऑलरेडी पता होगा या 2004 से ही बंद हुई है, तो दोस्तों आपका उसमें NPS कटता है यानी कि GPF के रूप में 10% आपके सैलरी का कटता है, यानी कि बेसिक पे प्लस DA मिलाकर जितना आपका सैलरी बनता है, यदि 30,000 बनता है तो दोस्तों उसका 10% यानी कि 3,000 कट जाएगा। तो टोटल आपको 27,000 से लेकर 30,000 के भी आसपास आपको हाथ में आपको मिलेगा और अकाउंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों इससे ज़्यादा आपका अमाउंट कटने वाला नहीं है, इतना आपके अकाउंट में बन जाएगा। और जो बात रही आपकी सैलरी कब से शुरू हो जाएंगे, तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आपने फरवरी में ज्वाइन किया तो मार्च से आपकी सैलरी आने लगती है। कहीं कहीं ऐसा होता है कभी कभी वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं दोस्तों उसको यानी कि वेरीफाई करने में कुछ टाइम लग जाते हैं, यानी कि उसको अपडेट करने में, जो कि जो भी फोर्सेज है CISF या ITBP या आसाम राइफल कोई भी हो, तो दोस्तों उसके डाटा में सभी को एंट्री किया जाता है, जिससे कि आपके पूरे डिटेल्स उसमें एंट्री किए जाते हैं, फिर दिल्ली उसे भेजे जाते हैं उसके हेड ऑफिस में, हेडक्वार्टर में, यानी कि हेडक्वार्टर जहाँ पर होते हैं वहाँ से सभी आपका यानी कि लिंक किया जाता है, आपका फोर्स नंबर भी जनरेट किया जाता है। तो दोस्तों आपको ग्रुप सेंटर में ही बता दिया जाएगा कि आपका फोर्स नंबर कब से, यानी कितना है फोर्स नंबर, उसके अनुसार वहाँ से आपके पूरा बायोडाटा कंप्यूटर में अपडेट कर दिया जाएगा, उसके बाद से आपकी पेमेंट चालू हो जाएगी और आपके पेमेंट पूरे टोटल आएंगे, यानी कि जितने आपके बन रहे हैं उतने आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आप लोग ये गलत फहमी मत रहिएगा कि एयरफोर्स ने भी आर्मी जैसा आपका भी सैलरी यानी कि हाफ मिलेगा, हाफ ट्रेनिंग के बाद मिलेगा DA के रूप में, TA के रूप में, यानी कि जो आपका एरियर होता है उसके रूप में। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको इसमें पूरी सैलरी दे दी जाएगी। और भी आपको यानी कि जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको सैलरी के बारे में A to Z जानकारी बता दी। और आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाली बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको SSC GD से संबंधित सभी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।